अरे रोहन, अच्छा हेलो। हाय रिया, कैसे हो? क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? क्या कर सकती हूँ, वही सारा टाइम काम काम। अरे काम खत्म नहीं हो क्या तुम्हारा अभी तक? बस होने ही वाला है, थोड़ा ही रह गया। अरे यार इतना काम वाम मत किया करो, थोड़ा आराम भी किया करो। वो सब छोड़ो, तुम कब आ रहे हो ये बताओ। मुझे और एक वीक लग जाएगा आने में। एक वीक और? हर बार तुम्हारा एक वीक और होता है। ये एक वीक कब खत्म होगा मेरे लाइफ से मुझे समझ नहीं आता। क्या करूं बेबी, तुम्हें पता है ना कंपनी का काम है, और जब तक कंपनी का काम खत्म नहीं होता ना तब तक मेरा आना पॉसिबल नहीं है। अरे वो तो मैं समझती हूँ, पर थोड़ा तो टाइम निकालो मेरे लिए, आखिरकार मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। बीवी के लिए थोड़ा तो टाइम दे सकते हो? अरे बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस बार आओ और कम से कम मुझे 2 महीने की छुट्टियों पे ले चलो, बस मैं इस काम से थक चुकी हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। वैसे और काम कितना रह गया तुम्हारा? कुछ नहीं, थोड़ा बस और रह गया है। सारा टाइम तो ऑफिस में लगे रहो और फिर घर आकर फिर वही ऑफिस का काम। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी में इस काम के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें भूल ही गई। अरे माय स्वीटहार्ट, तुम यार टेंशन क्यों ले रही हो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? हम काम भी तो ऐसे कर रहे हैं ना कि आगे की लाइफ हमारी सिक्योर हो, कब समझोगी तुम? हाँ पर थोड़ा तो एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करने का टाइम निकालना चाहिए ना। देखो इस बार मैं आया ना तुम्हारे पास, मैं 2 वीक का छुट्टी लेके तुम्हारे पास आऊंगा। चलो देखते तुम्हारा एक वीक और, ठीक है? बाय, लव यू। बाय, लव यू, टेक केयर। चलो देखते हैं साहब का एक वीक कब खत्म होगा। अरे यार बहुत लेट भी हो रहा है और काम भी जल्दी खत्म करना है। मैम सब दूध। अरे थैंक यू। मैम सब बहुत रात हो चुकी है, अब दूध ले लो और सो जाओ आप, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तुम अपना काम खत्म करके सो जाओ और मैं भी अपना काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है मैम साहब, पर दूध पी लो मैम साहब। हाँ मैं पी लूंगी। ठीक है मैम साहब। मैम साहब आप कितना काम करती हो,
पता है मैं आपसे बातें करने के लिए कितना तड़पता हूँ। मैं तभी बात कर पाता हूँ जब आप सो जाती हो, और जब तक नहीं सोती हो तब तक मुझे आपकी फोटो देखकर उसी से बातें करनी पड़ती है। मैं सब में कैसे बताऊं आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? पता है मैं सब, मैं आपसे इतना प्यार करता हूं, पता नहीं आपको मेरा प्यार कब समझ आएगा। वैसे इतना काम मत किया कीजिए, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। राहुल भैया का तो पता नहीं, वो तो आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। पता है मैडम, अगर राहुल भैया आपसे प्यार कर रहे होते ना तो इतने दिनों तक तो बाहर नहीं रहते आपको अकेले छोड़ के। उनको फिक्र ही नहीं है आपकी। पता नहीं आप ये बात कब समझोगी। कितनी अच्छी मुस्कुराहट है ना आपकी। पता नहीं मेरा सपना कब सच होगा कि आप मेरे सामने बैठे और मुझसे प्यारी प्यारी बातें करो। काफी टाइम हो गया है, अब तक तो मैम सब सो गई होगी। चलो देखता हूं, बातें करने का टाइम हो गया है मेरा। सब, मैं इस पल का कितना बेसब्री से इंतजार करता हूं कि आप कब सो और मैं आपसे जी भर के अपने दिल की बातें कर सकूं। सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो मैडम आप। मैडम जी, आपको पता है मैं आपसे कितना मोहब्बत करता हूं, कितना प्यार करता हूं। राहुल भैया तो बिल्कुल भी आपसे प्यार नहीं करते, पर ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती है? आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता है? मेरा प्यार इसलिए नहीं दिखता ना मेम साहब, क्योंकि मैं गरीब हूँ, आपके यहाँ काम करता हूँ, आपके यहाँ का नौकर हूँ। तो क्या हुआ मेम साहब, एक गरीब को किसी से प्यार करने का हक नहीं है क्या? मैं आपसे सच्चा वाला मोहब्बत करता हूँ मेम साहब, मुझे आपके जिस्म से नहीं बस आपसे प्यार है। बस ऐसा प्यार कि आपसे दो मीठी मीठी बातें कर सकूं, आपको देख सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेम साहब। और मैं वादा करता हूं मेम साहब आपसे, ये प्यार मैं हासिल करके रहूंगा किसी भी कीमत पे मेम साहब। कोई बात नहीं मेम साहब, अब रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए और मैं भी जाता हूं, सो जाता हूं। गुड नाइट मेम साहब। बाय बाय मेम साहब, कल सुबह फिर मिलता हूं। ये लो, अभी तक सोई हुई है मैम साहब। कितना टाइम हो गया मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब। हाँ? गुड मॉर्निंग। बहुत लेट हो गया, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? गुड मॉर्निंग। ये लो चाय। हाँ। टाइम क्या हो गया? 11:30 बज रहे हैं। क्या जी, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको?
ठीक है तुम जाओ। ठीक है मैम, सब आप रेडी हो जाओ। अरे राहुल के 25 मिस कॉल्स, मुझे पता क्यों नहीं चला? ये मुझे क्या होते जा रहा है इतने दिनों से? ना मैं उठ पाती हूँ टाइम से, ना मुझे पता चलता है कि कितने कॉल्स आए हैं। ऊपर से सर में और दर्द होता है। मैं इतना सोती क्यों? और मुझे कुछ पता क्यों नहीं चलता है? सीधा सुबह ही आँख खुलती है। कुछ दिनों से काफी अजीब सा हो रहा है, ऊपर से ये सर में दर्द। राहुल को कॉल करूं कि नहीं करूं? यार गुस्सा होगा, इतनी सारी कॉल्स आ रखी है, अब क्या बोलूं उसको? एक बार फ्रेश हो जाऊं फिर उसके बाद ही उसको कॉल करूं। पता नहीं आज कितना सुनाएगा वो। ये राजू आज दूध में क्या मिला रहा था? मैं तो दूध भी फीका पीती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे दूध में कुछ मिला देता हो, इसलिए मैं सोती रह जाती हूँ और मुझे टाइम का पता नहीं चलता? हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ना ये सारा टाइम मुझे घूरता ही रहता है। चलो आज देखती हूँ इसका। दूध मैडम जी। रख दो। मैडम जी पी लो ना, ठंडा हो जाएगा। मैं पी लूंगी, तुम जाके काम करो। ठीक है मैडम जी, पी लीजिएगा मैडम जी। हाँ हाँ पी लूंगी, अभी मुझे कुछ मेल्स करने हैं, फिर पी लूंगी जी। ये दूध के लिए इतना फोर्स क्यों करता है? पक्का इस दूध में कुछ होगा, तभी तो मैं सारा टाइम सोती रहती हूँ और मुझे कॉल्स और मैसेज का भी पता नहीं चलता। इतना लेट उठते हूँ, ऊपर से सर भी दर्द होता है। आज पता लगाना ही पड़ेगा, आज मैं इस दूध को पीती नहीं हूँ। खाली करके रख दूंगी और उसे लगेगा कि मैंने पी लिया, फिर देखते हैं ये क्या करता है, इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। We'll be right back.
मेम साहब, आपको कब समझ में आएगी ये बात? आपको मेरा प्यार कब दिखेगा? मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं? मैं अगर चाहूं ना तो आपको जबरदस्ती हासिल कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं आपके साथ, जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है मेम साहब, क्योंकि मुझे आपको प्यार से हासिल करना है। मुझे आपका प्यार चाहिए, जबरदस्ती नहीं। अब आपको अच्छा लगता है मेम साहब इसे रोज रोज तकलीफ में रखना? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको रोज रोज तकलीफ दूं। ये जो आपके सर में रोज रोज का दर्द होता है ना, और आप जो इतनी देर तक सोती हो ना, ये दूध में मेरा नशे की गोली मिलाता हूं ताकि आप सो सको और मैं आपको देख सकूं, जी भर के बातें कर सकूं। मजबूरी है मेम साहब, अगर आप मान जाती ना तो क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? क्या जरूरत थी आपको तकलीफ में रखने की मेम साहब? अच्छा बेटा, मतलब तू मेरे दूध में हर रोज नशे की गोलियां मिला रहा था? आप जगी हुई है? तुम्हें क्या लगा मैं सो रही हूँ? हमेशा की तरह मैंने ये दूध पी लिया? मैंने तुम्हें देखा था आज दूध में कुछ मिलाते हुए। मेम साहब, तो मेरे पास और क्या उपाय था? मेरे पास और क्या चारा था? मैं आपसे प्यार करता हूँ मेम साहब, और कुछ नहीं। कैसा प्यार? इसे प्यार बोलते हैं? पागलपन है ये। समझ में आया कुछ? कभी अपने आप को देखा है? औकात क्या है तेरी? तू क्या करता है, मैं क्या करती हूँ, कभी सोचा इससे पहले? मैडम, प्यार औकात देख के नहीं होता है। और आखिर क्या कमी है मुझमें? मेरे पास पैसे ही तो नहीं है। चुप, जबान चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वरना पुलिस में कम्प्लेन कर दूंगी मैं तेरी। समझ में आया? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। मैम सब, एक मौका तो दो मैम सब, प्लीज समझो मेरी बात को। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। निकल जाओ यहाँ से। चाहता है कि पुलिस को बुलाऊं? मैं अभी जा रहा हूँ मैम साहब, लेकिन इतना याद रखना, एक दिन वापस जरूर आऊंगा और आपको मैं हासिल करके रहूंगा। तू निकल यहाँ से और जाके अपना इलाज करा कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है, पागल साइको कहीं का। क्या करूँ मैं इस? आज के टाइम पर हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। अब राहुल को भी मैंने ही बोला था एक सर्वेंट रखने के लिए, अब उसको कुछ बोलूंगी तो वो उल्टा मेरी ही कमी निकालेगा। और ये सर्वेंट ऐसा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। हे भगवान, वो तो अच्छा हुआ मुझे टाइम रहते पता चल गया इसकी सारी हरकतों का, नहीं तो पता नहीं ये मेरे साथ और क्या कर देता।